अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं वीडियो वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था इससे पहले वाला वीडियो में, ट्रबल शूटिंग करके आपको जो पूरा दिखाया था। तो वीडियो बड़ा लंबा हो गया था, तो ये देखिए यहीं से मैं स्टार्ट करूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और ये जैसा पेन ड्राइव लगा था तो सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल हो गया है, तब ये पेन ड्राइव को हम लोग खोल देंगे, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव खुल गया है और यहाँ पे मैंने सिर्फ माउस लगाया हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो बहुत सारा जो सेटिंग्स रह गया है, ये सेटिंग्स आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा माई कंप्यूटर ये सब जो नहीं आता है तो वो सब मैं ला के दिखाऊँगा। पर्सनलाइज राइट क्लिक करेंगे माउस से, और राइट क्लिक करने के बाद ये पर्सनलाइज ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज डेस्कटॉप आइकन्स बोल के लिखा है, उसमें जाएंगे और यहाँ पे सबको टिक करना है, कंप्यूटर यूज़र फाइल्स नेटवर्क कंट्रोल पैनल, और अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने के बाद पीछे तुरंत आ गया, और ओके मारेंगे तो ये हो गया। अब इसको आप यहाँ पे थीम को भी सब चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर रखना चाहेंगे तो पीछे का दिख सकते हैं, ये भी चेंज हो गया। तो ये सब तो था बेसिक। अभी हम लोग आपको ऐसा चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे पहले आपको वीडियो में शायद देखने को नहीं मिला हो, और ये बहुत बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका सेटिंग्स रहता है। जैसे कि हम लोग का जो विंडोज़ है वो पायरेटेड है, ओरिजिनल नहीं है, तो ज़्यादातर सब पायरेटेड ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग को यहाँ कंट्रोल पैनल में जाना होगा और सिस्टम्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन में जाएंगे और एक्शन सेंटर में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है चेंज एक्शन सेंटर सेटिंग्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सब में टिक किया है। तो विंडोज़ अपडेट, इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग्स, नेटवर्क, फायरवॉल्स, ये सब चीज़ों को हम लोग को अनटिक करना है, क्योंकि ये सब में अगर टिक रहेगा तो सिस्टम में इंटरनेट जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट्स आता रहेगा, और वो हम लोग नहीं करेंगे तो वायरस वगैरह भी आता रहेगा सिस्टम में। तो ये हो गया, एक बार फिर से जाएंगे और यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल में इंटर करेंगे, और उसके बाद देख सकते हैं टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन ऑफ ऑप्शन, इसमें जाने के बाद यहाँ पे नोटिफाई मी में अनटिक करेंगे, इसमें भी अनटिक करेंगे और टर्न ऑफ करेंगे। याद रख के सबको ऑफ करना है, तो टर्न ऑफ करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे, बस ये हो गया। और यहाँ पे एडवांस शेयरिंग नहीं, इसमें नहीं जाना है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको क्लोज करने के बाद हमको फिर से कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर जाना होगा, कैटेगरी को उसको चेंज करना होगा, और स्मॉल आइकन्स में जाएंगे। स्मॉल आइकन्स में जाने के बाद हम लोग को जाना था पावर में, देखेंगे वो कहाँ है, ये रहा पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन में जाने के बाद ये रहा जो है बैलेंस रिकमेंडेड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे और चेंज प्लान सेटिंग करने के बाद यहाँ चेंज एडवांस पावर सेटिंग करेंगे, और यहाँ पे करते ही एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, PCI एक्सप्रेस बोल करके लिखा रहेगा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये PCI एक्सप्रेस करके जो लिखा है इसके नीचे में लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट, इसको डबल क्लिक करना, और इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम पावर सेविंग लिखा है, इसको ऑफ करना है, और अप्लाई और ओके, ठीक है, और इसको बस क्लोज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स ये सब कुछ बेसिक सेटिंग्स था जो कि हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग का ये विंडोज़ जो है बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं माय कंप्यूटर, राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज़ में जाके विंडोज 7 प्रोफेशनल, और ये इसका फीचर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अजाम हो रही है, अल्लाह हाफिज़।